हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल पटेल, आप सभी को स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत खास बनने वाला है। अगर आपने पिछले वीडियो मेरे देखे नहीं होंगे तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको अपने करियर के बारे में बहुत सारी नॉलेज वहां से मिल जाएगी। आज का वीडियो भी एकदम बढ़िया वीडियो है दोस्तों, आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखना है। आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पे, बहुत गहन इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्चुअली। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हम बात करेंगे खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में। यस, अगर आप मानेंगे नहीं दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यानी कि 2021 में नियर बाय 63 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, गवर्नमेंट बंद कर दिए 63 कॉलेजेस, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। आपको पता है पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे कॉलेजेस एक साल में बंद हो गए, शट डाउन, फिनिश, शटर बंद, नो इंजीनियरिंग कॉलेज, 63 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हुए दोस्तों। ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस अगर बंद हो रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, आप सोचो दोस्तों क्या रीजन होगा। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों हुआ भैया, इतने सारे कॉलेजेस एकदम से क्यों बंद हो गए। ओके, इसके पीछे क्या बड़े रीजन है, आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसा है, इंजीनियर का फ्यूचर कैसा है, इंजीनियरिंग करना चाहिए कि नहीं, ये बहुत सारे सवाल अभी आपके माइंड में आने वाले और इसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, तो हम बात करेंगे। तो हमको बता दें कि हर साल अगर आप देखोगे तो 15 लाख बच्चे, 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते हैं दोस्तों। अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे तो 4000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हमारी इंडिया में। सोचो 4000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, 4000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस है। और दोस्तों आपको बता दूं, हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करके बाहर निकलते हैं दोस्तों। उसमें से कितने बच्चों को जॉब मिलती है अच्छी, आपको पता है? जरा सोचो कितने बच्चे, 15 लाख में से कितने बच्चों, ओनली 5% स्टूडेंट्स आर गेटिंग गुड जॉब। ये दोस्तों सोचने वाली बात है, बस 5% स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग, इंजीनियर जो है जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं उनको ही अपने मन मुताबिक जॉब मिलती है, उनके फील्ड में जॉब मिलती है। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक किया है तो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर किया तो कंप्यूटर फील्ड में, उनके फील्ड मुताबिक टेक्निकल जॉब बस 5% स्टूडेंट ऐसे उनको वहां पे जॉब मिल जाती है। बाकी स्टूडेंट्स क्या क्या दोस्तों, बाकी स्टूडेंट्स तो फिर कुछ स्टूडेंट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए निकल जाते हैं जॉब नहीं मिलती तो, और कुछ स्टूडेंट जो है उनको जॉब नहीं मिलती, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं करना होता है, जॉब नहीं मिलती उसके कारण घर बैठे रहते हैं, जॉब सर्च करते रहते हैं और जॉब मिलती नहीं। और कुछ स्टूडेंट जो है वो नॉन टेक्निकल फील्ड में कहीं भी जॉब करने लग जाते हैं, मतलब उनका फील्ड जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो छोड़ देते हैं, कहीं भी फिर टेक्निकल सेल्स में जॉब करें, नॉन टेक्निकल सेल्स में जॉब करेंगे, कहीं एचआर में जॉब करेंगे, कुछ भी हो सकता है ना, अमेजोन में जॉब करेंगे, फ्लिपकार्ट में जॉब करेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, जिन बच्चों को, जिन इंजीनियर्स को एक्चुअली जिन्होंने 4 साल का इंजीनियरिंग किया होता है दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 साल का, उनको अपने मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती, फिर ऐसे नॉन टेक्निकल जॉब उनको करनी पड़ती है दोस्तों, जिनका उनके इंजीनियरिंग करियर से कोई मतलब नहीं रहता, कोई पॉइंट नहीं रहता। तो एक्चुअली ये बहुत मतलब बहुत मुद्दा बहुत बड़ा है एक्चुअली, आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, आपके करियर के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भैया अभी इंजीनियरिंग की सिचुएशन ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे किसी क्या रीजन से इतने सारे कॉलेजेस एकदम से बंद क्यों कर दिए एआईसीटीई ने, गवर्नमेंट ने 63 कॉलेजेस बंद कर दिए, वो भी एक साल में, पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता है आपको? इसमें बहुत सारे रीजन है दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों जॉब नहीं मिलती इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो। तो हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ऐसे है। तो हम जो पहला रीजन है उस पर बात हम करेंगे दोस्तों, कि एक्चुअली टू मेनी इंजीनियर्स आर ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर। बात वही है दोस्तों, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हर साल, मैंने तो बोल दिया आपको 15 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स बाहर निकलते हैं हर साल पढ़ाई कर करके, तो फिर इतने सारे इंजीनियर हो गए तो कंपनी किन किन को जॉब देगी? यस, जो गिनो चुनो स्टूडेंट्स है जिनका एकेडमिक करिकुलर अच्छा होता है, जिनके पास में स्किल होता है, उनको जॉब लग जाती है। बाकी स्टूडेंट्स क्या, बाकी स्टूडेंट्स भैया घूमते रहते हैं फाइल लेके, भैया जॉब दो जॉब दो जॉब दो, जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे इंजीनियर हर साल निकलते हैं। ओके, इसके कारण भी हो सकता है कि जॉब नहीं मिलती, ओके, और अनइंप्लॉयमेंट हो जाता है दोस्तों। और दूसरा जो रीजन है, एक्चुअली थ्योरेटिकल नॉलेज पे ही फोकस करते हैं स्टूडेंट, ये एक्चुअली बहुत बड़ा मतलब एक टॉपिक आप कह सकते हैं, आप पॉइंट कह सकते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। अभी क्या हो रहा है कि जो कॉलेजेस है वहां पे ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज ही दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और अभी आप कंपनी में जाओगे तो वहां पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी में प्रैक्टिकल, अगर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा तो ही उनको कंपनी में
एक्सपोजर मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनी में एक्सपोजर मिलता है। जब भी बड़े बड़े कंपनी से इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो वो टेक्निकल नॉलेज चेक करते हैं दोस्तों। थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा चेक कर लेंगे, लेकिन टेक्निकल जो है, टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है स्टूडेंट को, वो सारा चेक करते हैं। लेकिन बात तो यहीं पे अटक जाती है ना दोस्तों, थ्योरेटिकल ज्यादा नॉलेज होता है स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को खासकर। कॉलेज में भी ज्यादा थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये भी एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट में, जिसके कारण इंजीनियर्स को अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी दोस्तों, अभी इंजीनियर स्टूडेंट जो है 12वीं क्लास पास करने के बाद में इंजीनियरिंग करना पसंद नहीं कर रहे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और अगला जो रीजन है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट्स में है ना, उनको पता नहीं होता है कि कैसे बिहेव करना है, डिसिप्लिन का पता कुछ नहीं होता भैया, तो इसके कारण भी उनको जॉब नहीं मिल पाती। दूसरा जो है वो है एटीट्यूड इशू। ये तो बहुत बड़ा आजकल की जनरेशन जो है, बहुत बड़ा इशू है एटीट्यूड के बारे में। भैया मैं क्यों जॉब करूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं क्यों छोटी कंपनी में जॉब करूंगा, मुझे तो इतनी सारी सैलरी चाहिए। इंजीनियर पास आउट हुए नहीं कि उनको 50,000 एक लाख की जॉब सैलरी की जॉब चाहिए रहती है, तो ये तो एटीट्यूड इशू है ना भैया। आप इंजीनियर हो ठीक है, माना इंजीनियर हो, लेकिन आपको एंट्री लेवल पे इतनी ज्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखना भी थोड़ा सा गलत है कहीं ना कहीं। यस दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर से अगर आपका प्लेसमेंट होता है कॉलेज की तरफ से, अगर आपकी अच्छी रेप्यूटेड कॉलेज है वहां से आपका प्लेसमेंट होता है, तो हो सकता है कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, अच्छा खासा पैकेज मिल जाए, 6 लाख का हो सकता है, 8 लाख का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कॉलेज, डिपेंड्स ऑन कंपनी, प्लेसमेंट आपका कैसा है। लेकिन जो कुछ जो स्टूडेंट्स है, कुछ इंजीनियर्स है जो पास आउट होने के बाद में जो बाहर से जॉब सर्च करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में खुद से जाकर जॉब सर्च करते हैं, उनको भैया इतना पैकेज नहीं मिलता है। दिस इज रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं भी खुद इंजीनियर हूं, मुझे पता है कि रियलिटी क्या है दोस्तों। अगर आप बाहर से जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको 15,000 20,000 25,000 बस ज्यादा से ज्यादा सैलरी इतनी ही मिलेगी स्टार्टिंग में। ओके, ये बात याद रखो। तो स्टूडेंट ऐसा कि एटीट्यूड इश्यू रहता है, फिर उसके कारण उनको अच्छी जॉब नहीं, अगर अच्छी जॉब मिलती भी है तो वो फिर वो अच्छी जॉब कर नहीं पाते एटीट्यूड के कारण, कि भैया मैं इंजीनियर होकर ये काम क्यों करूं। काम का भी इशू आ जाता है कंपनी में, क्या होता है कभी कभी स्टार्टिंग में मन मुताबिक काम नहीं मिल पाता, कुछ भी ऐसा, मतलब जो काम टेक्निकल काम नहीं मिलता, नॉन टेक्निकल काम मिल जाता है, तो उसके कारण थोड़ा सा एटीट्यूड इशू हो जाता है स्टूडेंट्स को। ओके, उसके कारण क्या क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट को फिर जॉब छोड़नी पड़ती है, इंजीनियर्स को जॉब छोड़नी पड़ती है, तो ये भी एक इशू है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। और दूसरा जो है दोस्तों, लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हमने तो बात कर लिया कि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल चुके हैं ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज तो हम बात कर रहे हैं बाबा, 4,000-5,000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में। और कहीं कहीं पे ठीक है, बड़े बड़े कॉलेज की बात छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं कहीं अलग जो छोटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पे टीचर्स ही नहीं होते, अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं होते, क्वालिटी टीचर्स नहीं होते। ओके, तो उनको पता नहीं होता कि भैया पढ़ाना कैसे, पढ़ाना क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे देना है, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज कैसे देना है, स्टूडेंट को कैसे एक्सपोजर दिखाना है। ओके, उनका फ्यूचर कैसे, फ्यूचर में कैसे उनको बातें सिखानी है, ये सारी जो बातें हैं टीचर्स को पता ही नहीं होता। अच्छे टीचर्स की भर्ती नहीं की जाती इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसे ही लोकल कोई उठा लेते हैं टीचर्स और फिर डिप्लोमा वगैरह किए हुए या जो भी कुछ साधारण ग्रेजुएशन किए हुए टीचर्स को लाया जाता है और उनको बोलते हैं कि भाई पढ़ा दो इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स को। तो ये भी थोड़ा सा एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स का एक पॉइंट है, जिसके नोट कर लो। दूसरा जो है लैक ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इनोवेशन कहां पे है आपका, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इनोवेशन भी तो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इंजीनियर्स हो तो आपकी जो आइडियाज है माइंड में, कुछ आइडियाज होंगे, क्रिएटिविटीज होंगे, आपका जो टेक्निकल नॉलेज आप ले रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज से उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। तो कुछ इनोवेटिव अगर आप कर रहे हो तो ही आपको अच्छा बाहर एक्सपोजर मिलेगा। ओके, कुछ रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो ही आपको अच्छा जॉब मिल सकता है या कुछ अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि इंजीनियर जो है वो इस फील्ड में यानी कि इनोवेटिव रिसर्च फील्ड में जाना नहीं चाहते, वो करते ही नहीं रिसर्च, कुछ इनोवेटिव बनाते नहीं, उनको बस थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है, एग्जाम देनी है, बस ग्रेजुएशन हो गया, फिर निकल पड़ते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो ये भी एक थोड़ा सा एक पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, इनोवेटिव बनना है, रिसर्च में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है आपको इंजीनियरिंग पढ़ते समय। दूसरा जो पॉइंट है आपको बता दूं मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉलेज नेम। यस, ये मतलब आपको बहुत बड़ी रियलिटी है एक्चुअली, अगर आप देखा जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ गई है। कंपनीज क्या करती है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, वो देखती है कि कौन सी कॉलेज रिप्यूटेड है, कौन सी कॉलेज बढ़िया है,
ओके ए ग्रेड कॉलेज है वहीं पे जाएंगे, वहीं पे कैंपस प्लेसमेंट लेंगे और वहां पे ही बच्चे सिलेक्ट करेंगे। बाकी कॉलेजेस का, बाकी कॉलेजेस जो होती जो रिप्यूटेड नहीं होती, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे दोस्तों प्लेसमेंट नहीं हो पाता। ये बड़ी बड़ी कंपनी जाती ही नहीं है वहां पे प्लेसमेंट लेने के लिए, जाएगी तो फिर 10,000 रुपए पर मंथ का सैलरी ऑफर करते हैं भैया। होता है कुछ छोटे कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पे भी प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन फिर पैकेज तो उतना ही मिलता है, 10,000-15,000 का पर मंथ का सैलरी मिलेगा, बस हो गया। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा फंडा है जो बड़ी बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल अच्छे पैकेज वाली जो कंपनीज है वो बस बड़े बड़े सीओईपी कॉलेज, पुणे की बात करेंगे तो सीओईपी कॉलेज हो गया, एमआईटी कॉलेज, बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाएंगे, छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाते। तो वहां पे दोस्तों स्टूडेंट को जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जो है जो अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं हो पाता, जॉब नहीं मिलती। तो अगर आप बड़ी कॉलेज में है तो बात अलग है, आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, अच्छी ग्रेजुएट मिल जाएगी, लेकिन जो बड़े कॉलेजेस में नहीं है, रिप्यूटेड कॉलेजेस में नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनको सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ी फैक्ट है, ओके। और दूसरा जो है लैक ऑफ प्रॉपर इंग्लिश स्किल्स, तो ये तो भैया आपने सर आपने क्या बता दिया, इंग्लिश तो हमको नहीं आता, इंजीनियरिंग हमने तो पढ़ लिया लेकिन इंग्लिश कौन सिखाएगा, हमको आता नहीं, बोलना ही नहीं आता, यही पे तो निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। अगर आप जाओगे इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब भी आप बीई पास आउट हो जाते हो, बीई या बीटेक जो भी है पास आउट होते हो, तो आपका जब इंटरव्यू होता है दोस्तों वो टोटली आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। वो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पहचान जाते हैं कि भैया इसको इंग्लिश आता है या नहीं, ये बंदा कैसा है, इंग्लिश का तो बंटा धार है, कुछ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता। आजकल के इंजीनियर्स का तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश ही बोलना नहीं आता है, क्या करेंगे, इंजीनियरिंग तो इतना पढ़ लिया, 4 साल इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश का स्किल ही नहीं है, इंग्लिश बोलना ही नहीं है एक्चुअली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंग्लिश सीखना ही नहीं है स्टूडेंट्स को। तो एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली अगर आपके पास में इंग्लिश बोलने का स्किल नहीं है, मैं एक्चुअली रियलिटी बोल रहा हूं, अगर आप सोच रहे हैं, आप बोलोगे कि सर इंग्लिश नहीं आता तो क्या आगे नहीं बढ़ेंगे क्या, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। अगर आपके पास में सच में टेक्निकल स्किल है, अच्छा कोई फील्ड में आपने रिसर्च किया हुआ है, इनोवेटिव आइडियाज है आपके पास में, तो ठीक है, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके लिए इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं ज्यादातर परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो कंपनीज जो है प्रेफरेंसेस आपको, आप जब भी इंडस्ट्री में जाओगे इंटरव्यू के लिए तभी आपको पता चलेगा कि ये रियलिटी है एक्चुअली, वो इंग्लिश का स्किल चेक करके भी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं दोस्तों, इंजीनियर्स को हायर करते हैं। अगर आप समझो दो बंदे हो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एक ही जगह पे, आपको इंग्लिश नहीं आता लेकिन आपके साथ का जो दूसरा बंदा है वो इसकी इंग्लिश अच्छी है और आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है लेकिन आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो सिलेक्शन किसका होगा, उस इंग्लिश वाले बंदे का होगा। ये थोड़ा सा नोट कर लो दोस्तों, ये रियलिटी है, आप जाओगे इंटरव्यू को ना आपको पता चलेगा। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान रखना है दोस्तों, सीख लो, इंग्लिश सीखना इतना कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों। आपको बस अभी तो यूट्यूब पे तो इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है इंग्लिश के, इंग्लिश सिखाने वाले तो कितने सारे मिल जाएंगे आपको, बढ़िया आसान तरीके से इंग्लिश सिखाते हैं, तो आप जाके सीख सकते हो। हर रोज थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करोगे तो भी आपको थोड़ा सा इंग्लिश आप सीख बोलने में आपको आसानी होगी, ओके। तो आपका उसमें थोड़ा सा जॉब मिलने में आपको आसानी हो सकती है, अच्छी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जाओगे, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल, अच्छा पैकेज चाहिए आपको, सैलरी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में अच्छा होना, फ्लुएंट इंग्लिश होना भैया जरूरी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ओके। आपका स्किल अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में। और दूसरा जो है नो एसेंशियल सॉफ्ट स्किल, मतलब क्या होता है कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन आपके पास में अगर कोई स्किल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि इंटरव्यू में आपको टेक्निकल, आपका टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाता है कि भैया आपने 4 साल का ग्रेजुएशन तो कर लिया है लेकिन कुछ आता है कि नहीं आपको, कि ऐसे ही कॉपी करके पास हो गए, इधर उधर से देख के कंप्लीट कर लिया आपने इंजीनियरिंग, ऐसा उनको पता चल जाता है। जो इंटरव्यूअर होते हैं ना कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में, उनको पता होता है कि ये स्टूडेंट सच में, इसने पढ़ाई की है, इसको सच में नॉलेज है, इसमें सच में स्किल्स है, उनको पता चल जाता है। तो आपको बस ट्राई करना है इंजीनियर, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो ट्राई करिए कुछ कोर्सेस करने की, है ना। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, समझो मैकेनिकल इंजीनियर के फाइनल ईयर में हो, तो आप कुछ कैड कैम के कोर्सेस कर सकते हो, कोई अगर आपको स्किल किसी में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो आप कैड कैम के कोर्सेस कर सकते हो, कोई अगर अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में हो, आप अगर कंप्यूटर इंजीनियर हो तो आप कंप्यूटर के कोर्सेस कर सकते हो, C++ जो है, जावा, HTML जो भी लैंग्वेज है उसके बेसिक कोर्स कर सकते हो, एटलीस्ट बेसिक तो कर सकते हो ना, फाइनल ईयर में आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, बेसिक अगर आपको बेसिक भी पता होगा, आपके पास में स्किल है, आपके पास में सर्टिफिकेट है उसका कि भैया ठीक है ये मैंने 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का कोर्स किया हुआ है मेरे ग्रेजुएशन के चलते, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा बहुत बढ़िया पॉइंट है, बेनिफिट होता है अगर आप इंटरव्यू में जाओगे कि भैया सर जी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ, जो भी फील्ड है, मैंने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया और मेरे पास में स्किल भी है भैया, मैंने ये कोर्सेज भी किए हैं,
आप वहां पे जाके बता सकते हो उनको कि भैया ऐसे ऐसे कोर्सेस किए मैंने, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी थी मेरी, एक्स्ट्रा करिकुलम कोर्सेस किए मैंने। तो इसका वो सोचते हैं कि ठीक है, इस बंदे को अच्छा स्किल है, अच्छे कोर्सेस किए हुए हैं, इसने टेक्निकल नॉलेज है, कंपनी को जरूर ही बेनिफिट होगा, तो आपको फटाक से हायर कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको बस इस पे ध्यान देना है कि आपका टेक्निकल स्किल भी बढ़ाना है, आपका इंग्लिश का स्किल बढ़ाना है, आपके बोलने का स्किल बढ़ाना है। ओके, ऐसे बेसिक से कोर्सेस है वो ट्राई करिए कि वो कोर्सेस करने का ट्रायल करिए, क्योंकि आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों, इसके कारण ही मुझे तो लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंजीनियर्स की, खास करके इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं मैं, इंजीनियर्स को जॉब क्यों नहीं मिल पाता, तो यही सारे रीजंस है दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, मैंने हर एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करके बताया है कि क्यों भैया कहां पे अपनी गाड़ी जो है इंजीनियर्स की गाड़ी अटक जाती है, किस बात पे अटकती है, अच्छी जॉब कुछ इंजीनियर्स को अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल पाती। बढ़िया कॉलेजेस के इंजीनियर्स की बात अलग है, उनको कॉलेज में ही प्लेसमेंट मिल जाता है, लेकिन जो छोटी कॉलेजेस है, जो कॉलेजेस रिप्यूटेड नहीं है, जिनका नाम नहीं है, उन कॉलेज के बच्चे पास आउट होने के बाद में उनको तो कम सैलरी पे काम करना पड़ता है। तो ये सारे बहुत से रीजन है, अगर आप इस पे सोचोगे थोड़ा सा, ओके, आपका फ्यूचर तो अभी 12th के बाद में अगर आप सोच रहे हो इंजीनियरिंग करना, तो इस बात पे थोड़ा सा सोचना दोस्तों, क्योंकि टोटल आपका जो फ्यूचर है वो उसी पे डिपेंड है। और यस, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो स्कोप तो बहुत है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, इंजीनियरिंग करने के बाद में स्कोप बहुत है, बस आपको इस पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, आपका स्किल बढ़ाना है, आपका इंग्लिश का स्किल बढ़ाना है, आपका टेक्निकल स्किल बढ़ाना है, आपको इनोवेटिव रहना है, आपकी आइडियाज को यूज करना है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे, आपका करिकुलम भी अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक करिकुलम भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों, इस पे भी आपको ध्यान रखना है, अच्छी पढ़ाई भी करनी है। तो ये बहुत सारे मुद्दे आपको ध्यान में रखकर ही आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, और ट्राई करिए कि आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, जिसका नाम है, ट्राई करिए कि रिप्यूटेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि रियलिटी तो वही है, रिप्यूटेड कॉलेज में से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो बहुत बढ़ गया है ना, अगर आप रिप्यूटेड कॉलेज से इंजीनियरिंग पास आउट हो तो कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा कम फेस करना पड़ेगा। तो यही पॉइंट है, मुझे तो लगता है मैंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो दोस्तों, क्योंकि आपको आने वाली ऐसी अलग अलग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपके करियर के बारे में अलग अलग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ में, एक नए आइडियाज के साथ में, तब तक बाय बाय।